मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। हटा मरियादू पुलिस ने 4 माह पूर्व हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मरियादू थाना प्रभारी संदीप दीक्षित ने प्रेस वार्ता में बताया कि 14 दिसंबर 2020 को ग्राम मोहराई निवासी खिलान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका 22 वर्षीय पुत्र गोविंद लोधी लापता है। पुलिस द्वारा गुमशुदगी का प्रकरण कायम कर पता साझी की जा रही थी कि 2 दिन बाद ही गुमशुदा गोविंद लोधी का शव सुनार नदी में तैरता पाया गया। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर बेचना आगे बढ़ाते हुए मृतक के मोबाइल की जांच पड़ताल की तो 1 नंबर बंद पाया गया, जो कि विनीता पति दुर्गेश बर्मन का था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका मृतक से प्रेम संबंध था, जिसको लेकर आरोपी करिया उर्फ भंबन लोधी, फूल सिंह लोधी, सुरेंद्र सिंह लोधी को बुरा लगता था, जिसे लेकर तीनों आरोपियों ने गोविंद लोधी को नदी की तरफ ले जाकर उसे मारकर फेंक दिया। यह साक्ष्य पाकर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला कायम कर लिया है। 12 दिसंबर को एक व्यक्ति के गुम हो गया था, जिसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, गोविंद साहब की दर्ज हुई थी। गोविंद पिता खिलान सिंह लोधी, तो उसके गोविंद साहब दर्ज होकर के जाँच करिए 17 तारीख को दिसंबर में उसकी लाश मिली थी, जिस पर मर्ग कायम करके बेचना है जाँच में लिया गया था। और जाँच के दौरान लगातार प्रयासरत रहे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया, अधिक पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओ की मैडम लगातार उसमें निर्देशित करती रही, और जिसमें हमने लगातार साइबर सेल की मदद से और मुखबिरों के द्वारा जब सूचना प्राप्त की तो उसमें निकल के आया कि जब मृतक जो है वो 12 तारीख को वहीं रहने वाली विनीता वर्मा है उसके घर गया था। तो उसके बाद हमने लोकेशन और उससे पूछताछ की, जिसमें उसने स्वीकार किया तथा बताया कि उसने मेरे घर आया था और गांव के 3 व्यक्ति हैं, फूल सिंह लोधी, करिया और भमन लोधी और सुरेंद्र लोधी, जुगदा वाला कहलाता है। तो इन 3 ने जो है वहीं पर थे, ये भी पीछे पीछे आया और उसकी बुराई नहीं बुराई थी, एक बार उसने चप्पल अप्पल मारी थी उसको, फूल सिंह को, और करिया लोधी है वो चाहता था कि उसके संबंध है तो वो भी उसके साथ विनीता से प्रेम संबंध चाहता था, तो उसने मना कर दिया था और गाली गलौज करी थी गोविंद ने उससे, तो ये बुराई माने हुए थे। इसी बात पे से आए और उसको पकड़ के नीचे ले गए, और जब वो बेशुद्ध हो गया तो उसको नदी में फेंक के उसके जरकिन में पत्थर भर दिए थे और जरकिन नदी में फेंक दिया, वो टूट गया था। और इसके बाद उन्हें सुरेंद्र और ये उन्होंने उसको धमकाया था कि यदि उन्हें बताया तो तुम्हारा लड़की का भी वही हाल करेंगे, तो उसने किसी को बताया नहीं था। इसके बाद जब पूछताछ की गई और उनसे भी जब तीनों को पकड़ा गया उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने भी घटना स्वीकार की और एज इट इज जो है वहाँ पे स्पॉट पर ही उन्होंने बताया कि कहाँ से क्या वारदात की, उनको आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आज न्यायालय के साथ खबर समय जगत के लिए भूपेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।